कि देशों में देश हरियाणा जी दूध दही घी का खाना। एक दिन में कितना दूध देती है? ना तो 16 किलो दूध दिया एक टाइम पे। पूरे दिन में 16 किलो। पूरा दिन में 16 किलो, एक दिन में 16 किलो दूध देती है। और भैंस के अलग अलग ब्रीड होती है? हाँ, भैंस की अलग अलग ब्रीड होती है। सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी मानी जाती है? सबसे अच्छी ब्रीड मानी जाती है मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस जो एक टाइम में 50 लीटर दूध भी दे सकती है। 50 लीटर? हाँ। बता रहा कि कैथल से आई हुई है इनकी भैंस। वहाँ से ये जो है वो आई हुई है भैंस। जो भैंस खाती है ना उसके उसके खाने पे भी काफ़ी चीज़ जो है वो निर्भर करती है कि खाती क्या है वो। जैसे हमें जो सर्दियों के टाइम में उसे बरसीन खिलाते हैं, बरसीन एक हरी घास होती है जो खेत में उगाते हैं। उसके सिवा अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है तो ज्वार खिलाते हैं। तो जैसा हमें रोटियों पे घी लगा के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, उस तरह भैंस को जो चारा होता है उसमें जब हरी चीज़ें डाल देते हैं तो उसके लिए वो उसका घी होता है जिसको बहुत चाव से खाती है। उसके साथ साथ बिनोले की खल बनती है, उसको उसके चारे में मिलाया जाता है। उस चारे में मिलाने के बाद उसकी जो दूध देने की क्षमता होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले लोग घरों में दूध निकालते हैं, उस दूध को फिर ये लोकल डेयरी में लेके आते हैं। हाँ। यहाँ पे लोकल डेयरी में इसकी फैट चेक की जाती है और फिर प्राइस लगाया जाता है। और प्राइस फिक्स नहीं होता, वेरी करता है। वेरी करता है वो दूध के फैट पे, किस दूध के अंदर कितना ज़्यादा फैट है। जितना ज़्यादा फैट उतना ज़्यादा प्राइस। और उसके बाद फिर यहाँ से बड़ी बड़ी डेयरियों में चला जाता है, जैसे आपका नेस्ले हो गया, मधुसूदन हो गया, वहाँ जाता है। और फिर उसके और प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिसमें दही हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया। बाकी भैंसें हैं यहाँ पे अलग अलग ब्रीड की। जैसे एक सबसे बड़ी बात क्या है कि भैंसें जो होती हैं काली होती हैं, जो ये वाली जो भैंस है ये भूरी होती है। अच्छा। और भैंसों के जो सींग होते हैं वो गोल होते हैं या फिर ऐसे नीचे की तरफ होते हैं। हाँ, तो इस भैंस को हम भिंडी भैंस भी बोल देते हैं। सींग जिसके गोल नहीं होते वो नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। और गोल वाले को क्या बोलते हैं? गोल वाले को भैंस ही बोलते हैं। ये भिंडी भैंस है। ये भूसी है? भूसी। इसे यहाँ पे बोलते हैं तुड़ी। तुड़ी? तुड़ी। इस तुड़ी का बनाते हैं कूप। ये कूप बना के फिर इस तुड़ी को स्टोर किया जाता है यहाँ पे। इसे बेचा भी जाता है पर जो मैक्सिमम में इस्तेमाल किया जाता है वो भैंस के खाने में किया जाता है। और ये बनती है हमारी गेहूँ की फसल से। अब बारिश वारिश होगी तो? बारिश जो होगी पानी अंदर नहीं जाता कूप के ऊपर जो है ना, वो जो उसको इस्तेमाल किया गया वो चावल की फसल से बनी हुई पराड़ है तो पानी रोक लेता है। पानी रोक लेता है वो। सुबह हमने देखा कि हमने दूध निकाला, उसके बाद वो दूध डेयरी में पहुंचा जाता है। और अब आपको खिलाते हैं दूध का एक बहुत ही फाइनेस्ट प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं मक्खन। और मक्खन को इस रई के अंदर बिलोया जाता है, बिलोने के बाद मक्खन निकाला जाता है और फिर उसको टेस्ट करते हैं। कहा जाता है ना देशा में देश हरियाणा जो दूध दही का खाना। हाँ, तो दूध दही और उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब का यहाँ पे पूरा सेवन होता है, इसलिए बोला जाता है कि देशों में देश हरियाणा जी दूध दही का खाना। जो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं, हाँ। जो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ, मतलब अब ये शहरों में तो लगता नहीं है मुझे कहीं इस्तेमाल किया जाता होगा। शहरों में इस्तेमाल नहीं होता और अब गांवों में भी ऐसा होता जा रहा है धीरे धीरे कि गांवों में भी ये जो है जाता जा रहा है। पर हांडी, मिट्टी की हांडी और एक्सरसाइज भी होती है आपके साथ साथ, और ऊपर से मिट्टी में जो चीज़ बनती है उसका एक बहुत अलग ही मज़ा होता है। तो अब इन दोनों पे आपको पैर रखना है, एक पूरा सपोर्ट बनेगा। दो, हाँ। अब इसको आप जो है खींचिए और चलाइए। अब जो दूध है वो बिल्कुल मिक्सिंग हो रही है। मिक्सिंग हो रही है।
और इसी मक्खन को फिर बाद में गर्म करके देसी घी बनाया जाता है। तो चूरमा रोटी से ही बनाते हैं, पराठे से बनाते हैं और पूड़ी से ही बनाते हैं? पूड़ी से भी बनाते हैं। ये पूड़ी से बन रहा है चूरमा? ये पूड़ी से बनता है। इसको बोलते हैं मामदस्ता। इसको मामदस्ता और इसको मोसली बोलते हैं। तो ये लोग ज़्यादातर नाश्ते में पसंद करते हैं? नाश्ते में चलता है। नाश्ते में घी चूरमा खाने से तो ताकत आती है शरीर में, और उसके बाद जो लोग जो हैं किसान जो हैं वो खेत में जाके काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी डाइट रहती है। और सालों भर खाते हैं। तो इसमें आपने डाल दिया घी और शक्कर। शक्कर लेकिन चाशनी भी डाल सकते हैं? इसमें चाशनी नहीं डलती। चाशनी ही डलती है। हाँ, चीनी की चाशनी बना के शक्कर के फिर इसके अंदर डाल। और अब इसके बनाएंगे हम पिंडे गोल गोल और फिर उसे खाते हैं। चाशनी वाला चूरमा है, एक चूरमा में ये बनाते हैं। अच्छा, तो ये चीनी वाला है? ये चाशनी वाला है। ये आ गया हमारा देसी नाश्ता। देसी नाश्ता ये है खीर और ये है हमारा चूरमा जिसके अंदर हमने ऐड करी है चीनी और इसके अंदर हमने ऐड करी है चाशनी और ये है हमारी माखन और मिश्री। तो शुरू किससे किया जाए सर? शुरू करते हैं हम सबसे पहले चूरमे से। चूरमे से इसको सिर्फ चूरमा नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है घी चूरमा। और देखा जाए तो काफ़ी रिच है, मतलब पूरी तेल में तली हुई, उसके बाद खूब सारा इसमें घी डाला, ऐड किया, फिर अपने चाशनी डाली, तो काफ़ी हैवी है। चलिए अब खीर का जायका लिया जाए। बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्टी बना। घर के दूध से बनी हुई खीर और सबसे बड़ी बात है कि इसमें भैंस का दूध इस्तेमाल किया है जिसके अंदर अपने आप में बहुत ज़्यादा फैट होता है। मतलब देखा जाए तो नाश्ते में आपके पास दूध है, घी है और मक्खन है, मक्खन और मिश्री है और साथ में लस्सी। साथ में लस्सी, मतलब सारी चीज़ें दूध की बनी हुई है। दूध की बनी हुई है, दूध से मक्खन तैयार हुआ, दूध से घी तैयार हुआ और दूध से खीर तैयार हुआ। अभी माखन मिश्री खाएं? माखन मिश्री खाते हैं। ऐसे माखन लिया, थोड़ी सी मिश्री। ये माखन मिश्री सिर्फ मैं जन्माष्टमी में खाता हूँ, जो प्रसाद में मिलता है, ये घर पे प्रसाद बनाते हैं उसमें बनता है। यहाँ डेली मक्खन निकलता है तो सुबह सुबह मक्खन खाना मस्त है। मस्त है, इसको बोलते हैं आप टिंडी घी। टिंडी घी
राम राम जी। राम राम जी। राम राम भाई। ये तंबाकू है? हाँ ये तंबाकू है। ये तंबाकू होता है गुड़ में मोवाया हुआ है, गुड़ में, गुड़ नहीं होता जो जी जी। हाँ ये कितने साल से हुक्का पी रहे हैं आप? पहले 10 आदमी इकट्ठे होया करते सारे पी जाते तो अपनी सुना रहा है यू अपनी सुना रहा है यू अपनी सुना रहा है बात छेड़ जाते मन करे सांझे बैठ गया नहीं दिन निकल गया नहीं ओके बचे जाऊँ भरे गाँव थे पिए गाँव थे भरे गाँव थे पिए। अच्छा आप लोगों ने तो काफ़ी समय देखा है गाँव में कैसे बदला कितना बदल चुका है सिंघाना? बदल गया भाई एक चीज तो रही नहीं देख मारे बंदे बंदे रही नहीं पहले लोग डरिया करते शर्म थी ये बेपड़ा जमाना है ये पहले इतना था बड़ा आदमी बैठा है ये इस तरह के बच्चे मतबल नहीं लाके खड़े हो जाए एक बार नहीं लिखा कर बड़ा सारे बात क्या अरे अच्छी बात छेड़ा कर दे जमाना करता अरे ये तो उल्ट सुल्ट देखे बड़ा के बकेंगे गलते बात छेड़ेंगे अच्छी नहीं छेड़ते शिकायत हो रही है आपकी। आप क्या काम क्या करते थे? खेती का खेती का सब पर खेती है किस चीज की खेती करते थे? खेती करते मक्की बाजरे ज्वार गुआर बाड़ी ये उड़द मूंग सब सारी चीज बोया करते ईव ईव का काम ही सहाय गया जीरी क्यों और कुछ कर तो रहन सहन खान पान समाज सब बदल गया सब बदल गया सब बदल गया पहले अच्छा था पहले बढ़िया बढ़िया था खान पान ने बढ़िया था इतने ये तो ओट कटोरी इतने ज़्यादा आ जाए ओट कटोरी में बुरा गया लेकर मड़ी चिड़िया ही मत आ जाएगी की हाँ और पर तो जो रे बैठा कर रोटी खिलाने वाला है। ठीक है बाबा राम 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 राम। गेहूं का आटा है और इसमें हमने बथुआ डाल दिया है और इसके बाद हम खेत के लिए बना रहे हैं ये पराठा।
इस गांव के मतलब अपने रहन सहन खान पान के बारे में कुछ बताएं हमें। खान पान के बारे में भाई साहब ऐसी बात है कि खाने पीने का तो कोई घी दूध तो छुट्टी का पहले शुरू था। इस तरह अमरूद का पेड़ खेत में खड़ा है, अमरूद तोड़े खाए खेत में, पहले मक्की वे करें थी, कुकड़ी भुन्नी खाई ठीक, और भाई चने थे, चने के टाइम में यहाँ आ गया है, इसमें मार्च में पक जाए चना, जिस तक बोला फागन चैत देसी महीने में, वैसे मार्च थोड़ा सा फूस फांस गेरा और उसके ऊपर होड़े गए और टाट गेरे और आग लगा दी होड़े बनाए जीवन खा लिए खेत में, जब तक बात बता रहे हाँ जी। और खाना पीना तो ये है कि दूध के ऊपर ही थी, इसी मोटी मोटी मलाई आया करी थी, 4 बजे छुट्टी हो गई थी स्कूल की, पता माँ के दिया करी थी हमने, एक रोटी पे इतनी सारी इतनी शक्कर दर थी और इतनी सारी मलाई दर थी, ये खाई हमने। चलो ये रोटी आ गई। हाँ हाँ रोटी खाओ, खाना खाया जाए। हाँ हाँ अरे आपको देसी खाना खिलाए मेरे ले लो, इसकी छलाई आप करो। मैं तो मुक्का मार, नहीं ऐसे नहीं, इसका पहले पापड़ तारो, फोटो आओगे इसमें पापड़, मैं तो मुक्का मार के निकाल देता हूँ। ठीक है जवान जवान लड़का है, मार देगा कोई, मैं तो ऐसे मारा, इसका थप्पड़ मारेंगे इसकी बच्ची निकल के बैठ जाएगी। अच्छा तो पापड़ मतलब ये निकाले ना। हाँ इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा छील लो। तो ये हमारे पास है मूंग दाल के परोठे ठीक, और बथुए के परोठे हाँ। साथ में लस्सी, एक कचरी की चटनी, टिंडी घी। कचरी की चटनी है, सब्जी है, चाहे कचरी को खाली खाओ ये लाभदायक हुआ है, यह जिम्मेदार हुआ है। कचरी होता क्या है? खेत में बोते हैं इसमें, तो ये सालों भर खाते हैं कचरी की चटनी, की सिर्फ गर्मियों के टाइम पे याद कर लिया करें। ये मौसम कचरी याद कर लिया। ये कचरी चटनी में क्या क्या डालते हैं? कचरी की चटनी में हम डालते हैं हल्की मिर्च, नमक, लहसुन, और उसको सिलवट्टे पे पीसते हैं और अच्छी तरह पीस के उसमें डालते हैं कचरी, छोटी छोटी कचरी डालने के बाद उसे पीसा जाता है करीब 5 मिनट। 5 मिनट पीसने के बाद कचरी की चटनी तैयार हो जाती है। ये कचरी का बीज दिखा है? जी जी। अच्छा ये छोटे छोटे बीज जो है हाँ। ये बथुए का परोठा है? बथुए का परोठा और देसी घी में बना हुआ है। यहाँ घी मक्खन की बहुत खपत है, है? अगर हरियाणा के किसान के खान पान की बात की जाए तो काफ़ी खान पान बदला है। जो पहले के लोग खाया करते थे वो अब नहीं है, नहीं। हर जगह पे गेहूं और चावल हो गए, है ना? पहले खाना बहुत सीजनल होता था, अब सालों भर ये चीज़ें मिल जाती है, तो वो भी काफ़ी बदला है। चलिए भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी जानकारी मिली और बहुत ही मज़ा आया खाना खाने में। खाट पे बैठ के मूंग दाल के परोठे खाए, बथुए के परोठे खाए, कचौड़ी की चटनी खाई, साथ में टिंडी घी, प्याज और लस्सी, गुड़, बिल्कुल शुद्ध खाना था और ताकतवर। सबसे ताकतवर तो चीज़ ये है गुड़। और खाना खाने के बाद ले ले, इसमें पता पहले बुढ़े के करे थे पीसा भर ला दिए भाई, समझो पीसा भर मतलब पीस अकबर का एक तो उनका जब लिया ये भाई 10 ग्राम। अच्छा ग्राम तो समझ गया नहीं? हाँ ग्राम समझ गया। उसको बोले थे पीस अकबर। अच्छा पीस अकबर को बोले थे छोटी सी डली, इतनी डली दे दे खाना खाने के बाद, वो फिर सारा जो मुझे खाया। अच्छा तो खाना खाने के बाद खाने बाद गुड़ खाना चाहिए, बहुत से गुड़ डलिए करेंगे।
अब खाना पीना हो लिया, अब सोऊंगा खाट पे। आह।